जय हिंद दोस्तों, विटामिन ए की कमी से जूझ रहे हैं तो हम आपको कुछ ऐसे फूड्स बताएंगे जिन्हें खाकर आप इसको आसानी से पूरा कर सकते हैं। विटामिन ए की कमी से आंखों में सूखापन, बार बार सर्दी जुखाम का होना, थकान, कमजोरी, नींद आना, निमोनिया और वजन में कमी होने से कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। ये वीडियो हम आपके लिए लाए हैं। यदि आप या आपके परिवार में कोई भी विटामिन ए की कमी से परेशान है तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और यदि ये वीडियो आप Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं एक स्वस्थ शरीर के लिए कई तरह के विटामिन की ज़रूरत होती है। इन्हीं में से एक है विटामिन ए, जो आँखों की रोशनी बढ़ाने से लेकर शरीर के विकास और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसी तरह अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई है तो आँखों की रोशनी कम होने के साथ साथ बच्चों की ग्रोथ पर भी बुरा असर पड़ता है। इसके साथ ही त्वचा पर जख्म उभरने लगते हैं। इसके अलावा रूखे बाल, सूखी त्वचा, बार बार सर्दी जुकाम, थकान व कमजोरी, नींद न आना, रतौंधी, निमोनिया और वजन में कमी होने जैसी कई परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। इस रोग से बचने के लिए जरूरी है कि आपके शरीर में उचित मात्रा में विटामिन ए हो। विटामिन ए में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाते हैं। इसके अलावा विटामिन ए हमारे शरीर से सूजन संबंधी समस्या उत्पन्न नहीं होने देता। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं किन फूड्स को खाने से आप विटामिन ए की कमी को पूरा कर सकते हैं। दूध को कंप्लीट फूड भी माना जाता है। दूध में कैल्शियम के साथ साथ विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी और प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए रात को सोने से पहले एक गिलास दूध बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी पीना चाहिए। दोस्तों, नियमित तौर पर दूध के सेवन के साथ साथ दही व पनीर का इस्तेमाल भी करना चाहिए। रोजाना गाजर के सेवन करने से आप विटामिन ए की कमी को तो पूरा करते ही हैं, साथ ही आप अपने आप को कई तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं। ये आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, इसलिए रोजाना सलाद या फिर जूस के रूप में इसका सेवन कर सकते हैं और इससे आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी। शकरकंद विटामिन ए की कमी को तो पूरा करता ही है, साथ ही इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम भी पाया जाता है, इसलिए ये आपको हाई ब्लड प्रेशर से बचाने में मदद कर सकती है और इसमें फाइबर भी अधिक मात्रा में पाया जाता है जो वजन को कम करने में मदद करता है। लाल, हरी, पीली शिमला मिर्च सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, फाइबर और बीटा कैरोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसमें कैलोरी ना के बराबर होती है जिससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, साथ ही आयरन की कमी भी दूर होती है। इन फूड्स के अलावा शरीर में विटामिन ए की भरपाई करने के लिए पीली या नारंगी सब्जियां, पालक, पपीता, सोयाबीन और हरी पत्तेदार सब्जियों का भी सेवन किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपके कुछ सुझाव है तो वो भी हमें बता सकते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और दोस्तों, यदि ये वीडियो आप Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। दोस्तों, हमारी ये वीडियो शेयर भी करें। धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना।